अचानक डिसबैलेंस होने करके जो नहर गिर गई। यही परेशान ਅਤੇ मासूम बच्चा अपनी मम्मी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करना चाह रहा है। दरअसल ये सारे लोग किसी ਵਿਆਹ समागम तो वापस आ रहे ਸੀ कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ। अपनी माँ की सलामती जानना चाहता सी बच्चा कि नहर दे विच डिगे ये सारे बराती कि सही सलामत ने या फिर नहीं। दरअसल एक ब्याह समागम होया सी अते उत्थों पूरे दे पूरे बराती रिश्तेदार अते परिवार समेत बस दे विच सवार होके वापस अपने पिंड जा रहे सी, पर रस्ते दे विच ही बस का नियंत्रण खो जाता है अते बस सीधी नहर दे विच जा डिगदी है। बरातियां दे नाल भरी हुई बस नू देख के लोग उत्थे इकट्ठा होना शुरू होंदे ने। नहर दे विचों लोकां नू कढ़िया जांदा है अते मौके ते पुलिस भी पहुँच जाती है। देख लैंदे आ कि किस तरह दे नाल इह वाकया घटिया। एक दर्दनाक घटना वापरी है जिथे कि बस नहर दे विच डिग पई। राजस्थान दे डॉक्टर दा पूरा परिवार बीते दिनां दे विच नहर दे विच डिग पिया सी अते उस तो बाद हुण तक उन्हां सारियां दियां मृतक देहां नूं इकट्ठियां करदियां ही इन्ना समां लग गया। हले भी उस दे विचों एक बच्ची दे मिलण दी उम्मीद कीती जा रही है, जिसकी तलाश हले भी जारी है। इस नूं लैके सर्च ऑपरेशन चलाया ही जा रहा है, पर दूसरे पासे दीनानगर तो भी अजिही ही खबर सामने आ गई जिथे कि बरातियां दे नाल भरी हुई बस नहर दे विच जा डिगी। दरअसल यह सारा परिवार अपने रिश्तेदारां दे समेत एक ब्याह समागम तो वापस आ रहा सी। बराती ब्याह नूं देखण तो बाद अपने घर वापस जा रहे सी, पर रस्ते दे विच पैंदी नानो नंगल नहर दे विच इन्हां दी बस डिग गई। इस दे विच बरातियां दी गिणती दा फिलहाल नहीं पता लग सकिया, पर दस दिंदे आं तुहानूं कि इह पनियाड़ पैलेस तो ब्याह समारोह दे विच बरातियां दी शमूलियत तो बाद बस दे विच कट्ठे हो के नानो नंगल नहर दे कोलों ही लंघ रहे सी, पर उत्थे ही बस दा संतुलन विगड़दा है अते बस सीधा नहर दे विच जा डिगदी है। आसे पासे दे लोक अते मौके ते पहुंचे दीनानगर पुलिस ने जख्मी बरातियां नू सिविल हस्पताल दीनानगर दे विच भर्ती करवा दिता अते इस संबंधी सारी जानकारी दिंदे हुए दस्या कि किस तरह दे नाल इन्हां सारियां नू बाहर कटिया गया। दस दिए कि इह सारे बराती पिंड गुड्डा तो पनियाड़ आए हुए सन अते एक बरात दे विच इह ब्याह समारोह नू अटेंड करन तो बाद वापस अपने पिंड जा रहे सी, पर अचानक बस दा नियंत्रण खो जांदा है अते नानो नंगल नहर दे विच बस सीधा जा डिगदी है। सारे दे सारे लोग अते बराती उस समय हड़कंप मच जांदा उन्हां दे विच क्योंकि उन्हां नू कोई हिला नहीं दिखदा, पर मौके ते मौजूद लोकां अते पुलिस वालियां दे वल्लों बरात दे विच शमूलियत कर रहे सारे रिश्तेदारां नू ही बचा लिया गया। इस संबंधी जांच अधिकारी दे वल्लों होर कीड़ी कीड़ी जानकारी सांझी कीती गई है, आओ सुनते हैं। रात जिहड़ी है पनियाड़ वास्ते आई सी ते विआह अटेंड करन तों बाद बस जिहड़ी है वो इधर नहर के लागे जोड़ा वा वो अचानक डिसबैलेंस होने करके जोड़ा वो नहर के गिर गई, जिदे कुछ बंद इंजरीज आई ने, बट यह भी किसी का जानी नुकसान नहीं होया तो उन्होंने फस्ट एड वास्ते असी ऑलरेडी होस्पिटलाइज करवा दिता। थैंक यू। कितों जा रही बस जी रस्ते ये पनियाड़ तो मरीथल जा रही थी। कितने लोग मौजूद सी? एक्चुअली कन्फर्म नहीं है किन्ने बंदे सी, बट ऑलमोस्ट जिन्ने बंदे सी वो सारे बस चो कढ दिते गए रेस्क्यू करके, जिहड़े इंजर्ड सी उन्हां नूं असी फस्ट एड वास्ते होस्पिटलाइज करवा दिता। थैंक यू। ठीक है।
फिलहाल यह देखना बाकी है कि इस बस दे विच किन्ने बराती सवार सी, सारे रिश्तेदार सही सलामत ने कि नहीं, अते होर केड़े केड़े व्यक्तियां नू किन्नियां कसट्टां लगियां ने। इस सारी गलबात दे बारे हले जानकारी इकट्ठी कीती जाएगी, पर मौके दीयां तस्वीरां जिहड़ियां सामने आईयां उस दे विचों ही पता लग सकिया कि बस नहर दे विच जा डिगी, जिस तों बाद लोकां अते पुलिस दे भारी इकट्ठ करन तों बाद उन्हां नू बाहर कढ लिया गया। पूरी बरात जिस दे विच रिश्तेदार अते कई परिवार शामिल होणगे, बस भरी होई सी। एहो जही सारी जानकारी ओहो बराती ही दे सकते ने जिहड़े कि बस दे विच सवार हो के अपने घर नूं वापस जा रहे सी। आउण वाले समय दे विच इस सारी खबर ते असी बने रहांगे, देखना होवेगा कि इस खबर दे विच होर किहड़ियां किहड़ियां गल्लां निकल के सामने आंदियां ने। पर फिलहाल पुलिस वालियां दा यही कहना सी कि इस दे विच कोई भी जानी नुकसान नहीं होया। व्याह अटेंड करन तों बाद बस जिहड़ी आ वो इधर नहर के लागे जोड़ा वा वो अचानक डिसबैलेंस होने करके जोड़ा वो नहर के गिर गई, जिदे कुछ बंद इंजरीज आईया ने, बट यह भी किसी का जानी नुकसान नहीं होया। तो उन्होंने फस्ट एड वास्ते असी ऑलरेडी होस्पिटलाइज करवा दिता। थैंक यू। कितों जा रही थी बस जी? ये पनियार तो मरिथल जा रही थी। कितने लोग मौजूद सी? एक्चुअली कन्फर्म नहीं है किन्ने बंदे सी, बट ऑलमोस्ट जिन्ने बंदे सी वो सारे बस चो कढ दिते गए रेस्क्यू करके। जिहड़े इंजर्ड सी उन्हां नूं असी फस्ट एड वास्ते होस्पिटलाइज करवा दिता। थैंक यू। फिलहाल यह देखना बाकी है कि इस बस दे विच किन्ने बराती सवार सी, सारे रिश्तेदार सही सलामत ने कि नहीं, अते होर केड़े केड़े व्यक्तियां नू किन्नियां कसट्टां लगियां ने। इस सारी गलबात दे बारे हले जानकारी इकट्ठी कीती जाएगी, पर मौके दीयां तस्वीरां जिहड़ियां सामने आईयां उस दे विचों ही पता लग सकिया कि बस नहर दे विच जा डिगी, जिस तों बाद लोकां अते पुलिस दे भारी इकट्ठ करन तों बाद उन्हां नू बाहर कढ लिया गया। पूरी बरात जिस दे विच रिश्तेदार अते कई परिवार शामिल होणगे, बस भरी होई सी। एहो जही सारी जानकारी ओहो बराती ही दे सकते ने जिहड़े कि बस दे विच सवार हो के अपने घर नूं वापस जा रहे सी।